कल से इसको टाइम कहाँ मिल रहा है, इसका बिजी चल रहा है। क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। ये डील हुई थी कि मैं अमृत की तारीफ करूंगा, यादव ब्रांड की तारीफ करेगा। डन, 150 रुपए क्रेडिट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनल सुबह का टाइम है, 10:30 बज चुके हैं। दिल्ली की मॉर्निंग हमारे कुछ ऐसी हुई है, सब कुछ सीन है भी। हम ब्रेकफास्ट करेंगे, आंटी जी कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हो आज? तोरी, तोरी की सब्जी। तोरी की सब्जी बना, आलू के परांठे। वाह वाह, अरे अरे, क्या क्या बना रहे। रात को भी मजेदार खाना था, सुबह भी जबरदस्त था। अच्छा, भगवान को याद कर रहे हैं क्या? इधर देखो, कल हम लेके आए थे आम रस और अभी खा रहे हैं। बाबा जी गुजरात से आम रस आया है, उसको मैंने कल से टाइम नहीं मिला, तो अभी मैंने सोचा ब्रेकफास्ट के बाद इसमें थोड़ा सा बदला। ब्रेकफास्ट क्या किया? ब्रेकफास्ट मैंने किया 7 अंडे, 1 एप्पल। अच्छा। और उसके आधे एक घंटे बाद दलिया, उसमें ड्राई फ्रूट्स। अच्छा। और अब साथ में ये खा रहा हूँ। मेरा ये ब्रेक क्या हुआ? ये बिल्कुल स्लाइस जैसा टेस्ट कर रहा है। क्या बात कर रहे? हाँ, मैंगो स्लाइस नहीं होती वो, नहीं है लेकिन आम रस ही है। आम रस है भाई, ये स्लाइस डाल के तो नहीं आया है। बाबा को काम पता चलेगा, स्लाइस डाल देता हूँ। एक दो आम डाल लिए बीच में, स्लाइस डाल दी। स्लाइस के बोतल में मुझे लग रहा है 1 किलो 2 किलो लगे होंगे। हाँ, टोटल 10-15 किलो से बनाया था। हमारे घर पे स्टॉक करके रखते हैं। हाँ, वो मैंने देखा था पिछली बार भी। हाँ, तो इतना मूंगफली डाल के देखते हैं हाउ इट फील्स। अब क्या बना रहे हो? आलू का पराठा। आलू का पराठा। इधर आके हम भी परांठे खाएंगे। परांठे, परांठे हरियाणा में चटकारे के साथ। चटकारे के साथ अचार के साथ खाओगे कि दही? अचार यार मिलाया नहीं, क्यों? हमारे पास भी है। अरे मैं लाया नहीं। अरे ऐसा नहीं, तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, ये बताओ मुझे। हाँ? अचार के साथ खाओगे, दही के साथ? दही के साथ, दही के साथ। दही के साथ। कैसा लगा आमरस? आमरस बढ़िया है, पर दिक्कत ये मुझे छाले होते हैं और पर खाना पड़ेगा, तो छाले छील लेंगे हम थोड़े दिन के। छील लेंगे, झेल लेंगे, झेल लेंगे। पानी ज़्यादा पी लेना, पानी ज़्यादा पी लेना, छाले नहीं होंगे। इसका बिजी चल रहा है। क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, ऑप्शन नहीं है। खाएगा अभी भाई, पराठे खाएगा। खा खा के थक गए हम इधर। उपवास आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कच्चा पक्का लगे मेरा फेवरेट आलू पराठा और दही खा रहा है कोई मेरे सामने। क्या बात है। और आपको भी बड़ा बाइट। लो लो ना, अब दोपहर को नेक्स्ट लेंगे, हम जाएंगे हॉस्पिटल। आपको गुजरात वाले आलू पराठे नहीं पसंद आए ना? टेस्ट भी नहीं, बेकार, एकदम बेकार। देख ये खाओ, घी तो ले आने। ओ भाई बस करो, घी 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 में ही सेका मैंने वैसे। हाँ चल भाई, वो थोड़ा घी में हल्का रहता है, मजा आता। बटर नहीं है क्या? बटर होगा। लो भाई, डबल वेट करके जाना है यहाँ से। जबरदस्त बनाया, जबरदस्त। ओ भाई बस, कैसी बोल रहे हैं? जबरदस्त, मजेदार। इसने खाया भी नहीं, अभी मुंह में भी नहीं गया। खा लिया भाई। ये डील हुई थी कि मैं अमृत की तारीफ करूंगा, यादव ब्रांड की तारीफ करेगा। डन, 150 रुपए क्रेडिट। आया है हमारा टिफिन, आ चुका है ऑफिस जाते जाते। थैंक्स टू मी, थैंक यू, थैंक यू। खा लेना, फ्रूट्स है। अच्छा। इसको फ्रिज में रख देना। अच्छा, रायता है इसमें, ठीक है। ओके, और रोटी है। ओके, राइस है, सब्जी है, और क्या रखना भूल गई हूँ, मुझे लग रहा है एक सब्जी भूल गई हूँ क्या। अरे कोई नहीं, बस इतना ही बहुत। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, सही है, सही है, सारा है, सब कुछ है। ऑफिस जा रहे हो? अच्छा, और बाबा जी? चढ़ के हालत खराब हो गई मेरी, कल ऐसी हुई थी
बाबा जी हॉस्पिटल गए, अभी थोड़ी देर में आएंगे। अच्छा, और भूख लगे तो खा लेना, इसलिए देखे उन्हें पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अच्छा, ये सही है। और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं शाम। ओके बाय। भाई साहब हमारा टिफिन आ चुका है, अभी खाएंगे, क्या है देखते हैं। तो यश तो टिफिन ले आया था, फिर मैं भी टिफिन लाया हूँ। इधर टिफिनों की वो है, क्या बोल इधर आलू पराठा लाया हूँ। ऑलरेडी 6 टिफिन थे और 4 टिफिन आ गए। ठीक है कोई नहीं, ये दही है तेरे लिए, रायता है तो मैं दही खाता हूँ, और बनाने के लिए भी चाहिए मुझे, जैसे चिकन बनाता हूँ या बाकी चीज़ें बनाता हूँ, चिकन वगैरह बनाते हो तो। हाँ, तो दही मैरिनेट करने के लिए चाहिए होती है। फिर ये अनार है और वो है पाइन एप्पल, सही है वो रहता है। और बस पनीर है, जिसका पनीर टिक्का जैसे कल बनाया था वैसे बनाया, पनीर टिक्का बढ़िया लगा था, बहुत मस्त था। बस चलो ये आ गया टिफिन आज का, पूरा फ्रिज भर गया, पूरा फ्रिज भर गया। 8-9 टिफिन है, 9 टिफिन, दैट्स इट। मिलते खाने के वक्त। हम है हरीश भी, आप हमें अच्छे से जानते हो, बाबा के ऐसा व्लॉग्स में बहुत बार देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो जाओ देखो, देखो। पहले वहां से मेरे बारे में जान के आओ, पहले गद्दार 1 देख के आओ, फिर 2 देखना, फिर ये हरीश को आने तब पता चलेगा। पहले सीजन 1 पूरा देखो, फिर सीजन 2 देखने आ जाओ, फिर सीजन 2 में आना। गेस वन थिंग, व्हाट इज द टाइम नाउ, कितने बजे होंगे सर? 5:30 बजे होंगे। पक्का? पक्का क्या है ये 5:30, नहीं रुको, हाँ 5:30। भाई ये क्या चल रहा है यार, इधर चुटकी बजाते टाइम निकल रहा है। अभी तो खाना खाया हमने, आधा घंटा भी नहीं हुआ। आधा घंटा 4:30 बजे खाना खाया हमने। हाँ तो वही ना, 4:30, 5:30, 6:30 लगा, आधा घंटा भी नहीं हुआ। अच्छा, और ये तो भाई साहब अभी और आ चुका है दिल्ली का कुछ फेमस आइटम। दिल्ली का नहीं है, बिहार का है। बिहार? हाँ। तो ये बिहार मतलब वो वाला बिहार? हाँ, वो जगह वाला बिहार। अच्छा, तो ये क्या है देखते हैं। तो अब ये लोग लोग में क्यों नहीं बताते आप कैसी कुछ होती चीज़, हम गुजरात वाले को तो ये पता ही नहीं था। अरे सच में नहीं पता था पहले, यहाँ मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, लेकिन फिर मेरा एक रूममेट बना जो कि बिहारी था, वो करता था ये चौचले। चौचले? अरे पता नहीं कहाँ से क्या क्या ढूंढ के लेके आता था भाई। लिट्टी चोखा ट्राई करवाया है यश को, खाया बहुत जबरदस्त लगा, पहली बार खाना लाइफ में लिट्टी चोखा। अरे सुना ही पहली बार, गूगल पे सर्च किया ये क्या होता है ये। अच्छा, आपने गूगल किया? हाँ मैंने गूगल किया, फिर मेरे को पता चला कि वो डिश पूरी उसमें 6-7 आते हैं, ये क्या बोलती है इसको, पर ये 2 ही लाया। अच्छा ये एक्स्ट्रा लेना पड़ता है क्या? हाँ ये अपने हिसाब से लेना पड़ता है। देखो भाई गुजरात वाले को दिल्ली वाले क्या क्या खिलाते हैं। अरे अभी रुको, अच्छी बात है ना, ये तो मिलना चाहिए गुजरात में ना। गुजरात में तो सिर्फ जलेबी, ये तो बिजनेस आइडिया है। जलेबी फाफड़ा मिलता है, जलेबी फाफड़ा ढोकला, जलेबी फाफड़ा नहीं मिलता होगा ऐसे नॉर्मली। नॉर्मली मतलब लोग खाते नहीं है ना, वो ऐसे मशहूर हो गया है, फेमस कर दिया है, जेठालाल ने मशहूर किया है। हाँ वो ऐसे है नहीं। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, बस यही था आज के व्लॉग में, और मिलते हैं कल नए धमाके दिन में। लेट्स सी, देखते हैं कल का कैसा दिन होता है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।